अडानी ग्रुप के गिरते हुए शेयरों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर पार्क से स्टेट बैंक तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की। कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्टेट बैंक गेट के बाहर जमीन पर बैठ गए। अडानी की जेपीसी द्वारा जाँच करो के नारे लगाए गए। निवेशकों का धन सुरक्षित करो, ऐसी बात कही गई। जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए। अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश, खासकर मध्यम वर्ग, चिंतित है। मोदी सरकार के द्वारा अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेनदेन और निवेश ने भारत के निवेश को LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारक और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पिछले कुछ दिनों में LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ का नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं यह पूरी खबर विस्तार से संवाददाता मीना राजपूत के साथ। ये अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आप अवगत हैं, काफी दिन से इस बारे में चर्चा हो रही है और उस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अडानी ग्रुप की अनेकों कंपनियां फर्जी हैं और उनका जो एक प्रॉपर जो तरीका होना चाहिए उस तरीके से जो उनका निवेश है वो नहीं हुआ है। हमारी जो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो ये है कि तकरीबन 80,000 करोड़ रुपये जो LIC का और SBI का निवेश है अडानी ग्रुप का, और ये निवेश सरकार द्वारा कराया गया है। सरकार ने कहा इसलिए किया, ऐसी पॉलिसी बनाई, लाखों करोड़ों खाता धारकों के धन का धन उसमें जमा है, LIC में भी जमा है, उसमें बॉन्ड है, SBI में जमा है। तो सवाल इस बात का है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में बड़ी तेज़ी के साथ शेयर मार्केट में उनके शेयर गिर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, ऐसे में आम आदमी जो आम निवेशक है उसका पैसा कैसे सुरक्षित है और वो कैसे सुरक्षित रहेगा, ये एक मुख्य मुद्दा है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सब जगह अपना विरोध दर्ज करा रही है। हम एक पत्र भी सौंपेंगे गवर्नर RBI को। हम JPC की मांग कर रहे हैं, संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार उससे भाग रही है, चर्चा नहीं हो रही है संसद में। तो संसद में चर्चा हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच करे और उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई हो वो आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हर हाल में हम तमाम उन निवेशकों के साथ में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है जिनका धन LIC और SBI में है। अडानी जी का कहना था कि सबसे ज़्यादा लाभ कांग्रेस ने उनको पहुंचाया, ना कि भाजपा ने, इस पे क्या कहेंगे? ये तो दुनिया जानती है कि किसने लाभ पहुंचाया है। ये तो एक मखौल की बात हो गई, कौन लाभ पहुंचा रहा है। अडानी का नाम 2004 से 2014 के बीच में भारतवर्ष का अगर एक भी कॉमन मैन जानता हो तो बताइए। विपक्ष का आरोप है कि भीड़ जुटा लेना और वोट लेना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक बात है, भीड़ जुटा लेना और वोट लेना ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन इससे इस बात का क्या मतलब है? हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदार दल हैं, और हमें जो कुछ गलत लगता है, जो कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम आवाज़ उठाएं। पूर्व में सरकारें आपकी भी रही लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप था, कोई भी लोग आप लोगों ने अंदर नहीं करवाए, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपको याद होगा कि कोयला मंत्री को हटाया गया था और इस तरीके के तमाम सीरीज है जिन लोगों को सजा भी मिली, अरेस्टिंग भी हुई, मुकदमे भी चले हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, जब बड़ा राष्ट्र है तो कहीं इस तरीके की गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी होती रहेंगी। आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका, किस संदर्भ में? इलेक्शन को लेकर 2024। इलेक्शन को लेकर तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है और हम लोग बूथ स्तर तक लोगों में जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, इसके बाद भी अनेकों अभियान आएंगे और हम लोग सतत रूप से अपनी बात जनता के बीच भी कहेंगे। जाती कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है, यात्रा चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ खिसक रहा है? अभी आप देखिए अभी हमारी गवर्नमेंट बनी हिमाचल में, दूसरी जगह हम अच्छी तरह से लड़े। अभी इलेक्शन असेंबली के होने जा रहे हैं 4 राज्यों में और उनमें भी हमारी उम्मीद है कि हम चारों राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो असेंबली इलेक्शन को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लेके और पूरे देश का माप करना, ये भी तो उचित है। बजट आया और उसमें जो खाद्यान्न वितरण था वो बढ़ा दिया गया। बजट के बारे में क्या कहें, ये वही सरकार है जो किसानों की आय दूनी कर रही है। भारत कृषि प्रधान देश है,
तो हमें जरा बताएं कि किसानों के लिए क्या इस बजट में उन्होंने दिया है, किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी होगी, आप बताइए क्या राशन तो मिलना, मुफ्त राशन क्या ये अल्टीमेट है? क्या मुफ्त राशन ही व्यक्ति को जिंदा रखना है या जीवन स्तर देना? जिंदा रखने के लिए राशन देते रहिए, वो जिंदा रहे, लेकिन अगर जीवन स्तर में सुधार करना है तब तो हमें और भी उपाय करने होंगे जो इस सरकार द्वारा नहीं किए गए। क्या फ्री राशन जो है 22 में कुछ प्रभाव डालेगा? 22 24 के लेकर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं लगता है। जनता होशियार है, जनता जनार्दन है, जनार्दन ईश्वर को कहा जाता है, वो खुदा का रूप है, और मुझे लगता है कि जनता सारी चीज़ों को बहुत ही समझ रही है, भली भांति और साइलेंट मोड में है, और निश्चित तौर पर माकूल जवाब जनता द्वारा ही दिया जाएगा।